Rabbi Shahli Sadri Vayasirli Amri Vahalul Ubdatam Vilnisani Yafkahu Kauli. Alhamdulillah, main Rahila Saleem, Dr. Mohammed Saleem ki wife hoon, alhamdulillah. Hum log Bhopal se belong karte hain. Mere husband ne pehle Islam kabul kiya. Ek Jain family se belong karte hain. Main Agrawal family se thi. Mera purana naam Mansi Agrawal tha. Aur mere husband ne jab Islam kabul kiya to mere liye meri life ka bahut ek shocking incident tha. मैंने first time किसी को पहली बार देखे, मैंने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा. मैंने अचानक ही अक्सर करके एक particular time होता था और ये घर से कहीं चले जाते थे और मैं इनसे पूछती थी कि आप कहाँ जाते हैं तो ये reply करते थे this is none of your business, you have to do your job. तो मैं भी खामोश हो जाती थी. बाकी मेरे father in law से अक्सर इनकी debate और सब कुछ हुआ करता था, but मुझे नहीं समझ में आता था कि ये debate क्या है, ये लोग किस बात पे इतना ज़्यादा, मतलब इनका debate इतना aggressive movements पे कैसे आ जाता है. तो बाकी फिर एक धीरे-धीरे जब मुझे ये इस्लाम के बारे, पहले तो ये लोग नहीं बताए, but first time जब मैंने इनका फजर की नमाज थी और अचानक मेरी नींद खुली और मैंने इनको नमाज पढ़ते हुए देखा. मैंने इनसे पूछा कि आप क्या नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टेलीविजन पे देखा था कि हाँ ऐसे जो करते हैं वो नमाज के एक्शंस हैं. मैंने इनसे पूछा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि हाँ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ. मैंने बिल्कुल देर नहीं की मेरे फादर इन लॉ को बताने में. मैं रूम से बाहर निकल के और मैंने सबसे पहले उनको बताया कि पापा जी आज ही इनको मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा. तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है खामोश रहो, अभी किसी से कहना नहीं, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं. अब वो जो मेरी लाइफ का मोमेंट था, वहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कहीं ये किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं मिल गए जो इनको टेररिज्म की तरफ ले जा रहा है और ये ऐसी चीज़ों में तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे. एक बहुत बड़ा डर जो मेरे अंदर था वो, और ऑन दैट टाइम आई वॉज प्रेगनेंट, तो मेरे को एक बहुत खलबली सी लगी रहती थी कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है. फिर धीरे धीरे करके जब मैं इनकी बुक्स वगैरह जो अलमीरा में रखी रहती थी वो मैं पढ़ने लगी और ढूंढने लगी, ये छुपा के रखा करते थे और मुझे जब भी कोई बुक मिलती थी तो फिर मैं उसको पढ़ने लगी. तो मुझे उसमें ऐसा कुछ लगता ज़रूर था कि पता नहीं कुछ है, कोई डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा कि इनके अखलाक, इनकी सब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई. जो ये पहले थे उससे ये बिल्कुल अलग हो गए. तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि इस प्लेटफॉर्म ने इनको ऐसा क्या दिया जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल चेंज करके रख दिया. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये उस समय कोशिश करते थे कि जो नबी की सुन्नतें हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अपनी वाइफ की मदद करना, अपनी वाइफ के साथ किस तरह उसके हुकूक की अदायगी करना, ये सब कुछ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह करने लगे. और मुझे जो इनका ये ड्रास्टिकल चेंज था, जो इनको इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए 6 मंथ्स या 1 ईयर हुआ होगा, वो देख के मेरे लिए एक बहुत बड़ा मीनिंग, एक सरप्राइज था कि ये क्या हुआ. फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं भी अब इसको जानती हूँ, मैं भी अब पढ़ूंगी. और फिर मैं अपने फादर इन लॉ और इनकी डिबेट सुनने लगी. तो जैनिज्म में गॉड कॉन्सेप्ट है ही नहीं. हर वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लेता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल कर लेता है, तो वो एक लिमिट पर आकर नऊज़ुबिल्लाह गॉड का वो मुकाम हासिल कर लेता है और लोग उसी की फिर पूजा करने लगते हैं, उसी की वर्कशिप करने लगते हैं. तो मेरे दिमाग में, मैं अग्रवाल फैमिली से थी तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, हमारे जो भगवान है वो 3-4 हाथ वाले हैं, इनका क्या एक ही गॉड है जिसको जाके आपको पूजना है, तो नहीं मैं इनसे तो कुछ नहीं मांगूंगी, 3-4 हाथ वाले भगवान ही होते हैं, ये नहीं कुछ वो ऐसा रखते. तो वहाँ से एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मेरे को गॉड कॉन्सेप्ट का आया. और ईश्वर है जो इस दुनिया को चला रहा है, ये हमेशा मेरे एक जहन में रहता था. तो मुझे मेरे फादर इन लॉ कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पे आके गलत लगने लगे कि नहीं, ये जो कह रहे हैं वो सही है और इनकी जो डिबेट है उसका एंड जो है वो ये सही है. फिर धीरे धीरे करके मुझे इनकी चीज़ों पे यकीन आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह. फिर हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके यहाँ ये मुझे ले गए. वहाँ पर किसी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बुज़ुर्ग हो चुका हूँ, कलीम सिद्दीकी शायद हैं, कलीम सिद्दीकी साहब हैं, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है अच्छे से,
बट उन्होंने मुझसे कहा बेटा मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ मैं चाहता हूँ तुम कलमा पढ़ लो मेरी जिंदगी रहे ना रहे मैं आपसे मिलूँ ना मिलूँ तो आप कलमा पढ़ लो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कलमा पढ़ लिया कलमा पढ़ने के बाद भी जब हम घर लौट रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि मैंने सिर्फ अभी कलमा पढ़ा अभी आप ये मत समझिएगा कि मेरे को सब समझ में आ गया और मैं इस चीज़ को मान लूँगी इन्होंने कहा नहीं तुम्हारी मर्जी किसी में कोई फोर्स नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है उस कलमे की ताकत थी और ये हमेशा कहते थे तुम्हें कोई दुआ मांगनी है तो तहज्जुद में मांगा करो तहज्जुद का जो टाइम होता है वो बहुत कीमती होता है और उसमें अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करता है इन्होंने मुझे एक दुआ सिखाई थी कि तुम एक दुआ मांगो कि या मेरे रब अगर मेरा हस्बैंड गलत रास्ते पर है तो उसको सही रास्ते पे ले आ और अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ तो मुझे सही रास्ता दिखा दे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दुआ कंटिन्यू मांगती थी एक बार मेरी नींद अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में खुली और बस मैं नॉर्मल जैसे एक ध्यान करते हैं वैसा मैं बैठ गई और अपने आप अचानक दिल चाहा कि बस सजदा करूं मेरी ज़िंदगी का वो पहला सजदा था और उस बहुत लंबा सजदा था और उस सजदे में मैंने मेरे रब से क्या क्या मांग लिया मुझे भी नहीं याद है और उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे अल्लाह ताला खुद मुझसे बात कर रहा है अल्लाह मेरे सवालों का जवाब खुद दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बस उसके बाद तो ऐसा लगा कि नहीं इस्लाम हक है और इस्लाम पे ही चलना है उसके बाद फिर बहुत सारी परेशानियां लाइफ में आई सब कुछ आया बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हर परेशानी हर चीज़ को ऐसे ले लिया कि हम लोगों को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि ये कोई परेशानी थी ऐसा लगा कि अल्लाह की पूरी राह में हम लोगों को रिवार्ड ही मिलना है इस चीज़ का और अल्लाह हमें इसका रिवार्ड ही देता चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह बस उस समय से शुरुआत हुई थी दीन इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के परेशानियाँ तकलीफ़ें हर रिवर्ट की ज़िंदगी में आती हैं लेकिन मैं हर रिवर्ट बहन से ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह की खातिर आप लोग इस दीन में आए हैं किसी और चीज़ के लिए नहीं आए तो अल्लाह की खातिर इन परेशानियों को भी झेलिए अल्लाह की खातिर झेलिए अल्लाह ताला अगर आप लोगों से माशाल्लाह मैं जब घर से निकली जब हमारे फादर इन लॉ ने हमें घर से निकाला मेरे बच्चे की छोटा बच्चा था छोटे वाले की सिर्फ एक दूध की बॉटल थी इसके अलावा कुछ भी नहीं था मैं जॉब करती थी मैंने अपने छोटे बेटे को माँ के यहाँ छोड़ के जाया करती थी मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों से डिटैच नहीं हुए थे एक मोहब्बत थी उनको हमसे तो उस मोहब्बत के कारण मतलब उन लोगों ने कभी हमारा उस लेवल तक अपोज़ नहीं किया जो इन लॉज की तरफ से आया तो जब मैं मेरे मायके गई और मैंने अपने बच्चे को लिया और मैंने कहा कि माँ हमने वो घर छोड़ दिया हमें उस घर से उन लोग निकाले ऐसा करके माँ है बहुत रोई तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो क्या करोगे कैसे रहोगे दोनों छोटे बच्चे हैं क्या होगा मैंने कहा कि माँ आप सिर्फ एक माँ हो ना वो मुझे 70 माओ के बराबर मोहब्बत करता है तो जो रब मुझे मेरी 70 माओ के बराबर मोहब्बत करता है वो कैसे इस दुनिया में मुझे रुसवा कर सकता है सिर्फ एक छोटा सा ये विश्वास था अल्हम्दुलिल्लाह उस विश्वास को रखते हुए सारी चीज़ें सब परेशानियाँ ऐसे अल्लाह ताला ने ले ली कि उसका मेरे पास कोई मतलब कहने के लिए भी शब्द नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करती हूँ और अगर अल्लाह ने मुझे आप लोगों की एक ऐसी बहन बना दिया जो आपकी परेशानियाँ आपके हर उसमें हमारा घर हमारी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए है क्योंकि हम लोग ठान के बैठे हैं हमारा जीना मरना हमारी नमाजें हमारा सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए है और यहीं से यही लेके हमको जाना है कोई जवाब हमें नहीं मिलेगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू